बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं, कारोबारी बंदिश या जादू या उसकी काट करवाना चाहते हैं, तो अपनी बहन से रब्ता कर सकते हैं। तमाम वीडियो मदरसा फातमत ज़हरा की तरफ से पेश की जा रही हैं। आज का ख़ास अमल, इसमें एक नक्श है जो आपको अमल में इस्तेमाल करना है अपने प्यारे को पाने के लिए। ये अमल मियाँ बीवी और शादी के लिए और अपने प्यारों को पाने के लिए किया जाता है। आपने कोई भी खुशबू वाला ऑयल तेल आपने इस्तेमाल करना है, जैसे असेंशन ऑयल होता है, खुशबू वाला तेल होता है, चमेली का, गुलाब का, मोती का, जो भी आपको मिल जाए। आपने सफ़ेद कागज़ पर आपने इस नक्श को बनाना है, ठीक है। अगर नक्श आपको नहीं बनाना आता तो आप मदरसे से भी ले सकते हैं, ठीक है। और खाने का नमक का इस्तेमाल जो जो खाने में किया जाता है ना, जो नमक, वही आप नमक लेंगे। और एक चम्मच ले लें, आधा चम्मच ले लें, जितना आपको मुनासिब हो उतना ले लें। अब जब आप खाने के नमक का इस्तेमाल करेंगे, इस नक्श के अंदर उसको रखेंगे, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है कि एक दिन पूरा नमक को इस नक्श के अंदर रखना है, और अगले दिन इशा की नमाज़ के बाद आपने नमक को आपने इस नक्श से निकाल कर एक गिलास पानी में या किसी बोतल में डालकर उसको रख देना है। नक्श को किसी भी खुशबू वाले तेल में आपने जला देना है। ये अमल आपने 3 दिन करना है। अब आपने नमक का क्या करना है? नमक का इस्तेमाल आपने, जब आपके पास 1 से 2 चम्मच नमक इकट्ठा हो जाए, उस नमक को पानी में, जिस पानी में भी आप डाल रहे हैं, बोतल में, ग्लास में, तो उसको किसी भी पौधे की जड़ के अंदर यानी जज़ब कर दें, यानी किसी भी जहां पर पौधे लगे होते हैं या कोई फूल पौधों का जो दरख्त हो जाए वहाँ पर आप डाल दें। ये पानी सूखेगा भी नहीं तो आपका प्यारा आपके पास वापस लौट आएगा। याद रखें, ये अमलियात है, इसमें कोई भी आपको वजीफ़ा नहीं बताया जा रहा। अमल करें, नक्श का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। कोई पढ़ाई, कोई खाने पीने परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से अमल करें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अगर किसी बात की समझ नहीं आती, आप अपनी बहन से नंबर दे दिया गया है, रابطہ कर सकते हैं और अपने अमल के बारे में पूछ सकते हैं और इस्तखारा भी करवा सकते हैं। बहुत से बहन भाई जो हैं वो कारोबारी परेशानियों में, बीमारियों में, जादू सफलीलम में मुब्तला हैं, तो वो भी बहन भाई रابطہ कर सकते हैं। माएँ बेटी अपनी बेटी समझ कर रابطہ कर सकती हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपकी बहन आपकी ज़रूर मदद की जाएगी। थोड़ा ये होता है कि जब आप मैसेज करते हैं तो उसमें एक मैसेज आपको भेज दिया जाता है, जैसे ही फ्री होते हैं मदरसे की तरफ से, तो आपसे रابطہ ज़रूर किया जा सकता है। जज़ाकअल्लाह खैर।